subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी यहाँ पे आप लोग दादर का प्रिंटर देख पा रहे हैं और यहाँ पे एक गियर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस गियर का प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स करेंगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक कॉपी को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसको ठीक करेंगे। अभी यहाँ पे एक कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पे एक गियर का आवाज आ रहा है। तो ये जो गियर है इसका मेन यहाँ पे ट्राई जो है आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, तो इसको किस तरह से ठीक करना है आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको आपको बाहर निकालना है, उसके बाद ये जो ढक्कन है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है और ये जो आपका टोनर है इसको बाहर निकाल लेना है। देखिए अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो पोस्चर है, यहाँ पे आप लोग इंक को भर सकते हैं और दूसरा ये जो जगह है इसको हम लोग गियर पैनल बोलते हैं, और ये जो गियर पैनल है इसको आपको थोड़ा सा ठीक करना है। किस तरह से ठीक करना है, तो यहाँ पे एक आप नाट देख पा रहे हैं इसको आपको पहले खोल लेना है। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ इसको, अभी इसका जो पोस्चर है मैं इसको खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको एक ढक्कन को खोल लेता हूँ। अभी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो व्हील है इसको हम लोग गियर बोलते हैं, और यहाँ पे जो गियर है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप घिसेंगे तो यहाँ पे जम वाला प्रॉब्लम आएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो गियर है इसको आपको थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है, उसके बाद व्हील को थोड़ा सा घुमा देना है इसी तरह से एक एक बार करके, इधर लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से इस तरह से आपको गियर को घुमा देना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपको फिर से इसको लगा देना है। तो मैं फिर से इसको लगा देता हूँ। अभी जिस तरह से था उसको उसी तरह से मैं यहाँ पे ढक्कन को लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेंगे, उसके बाद आपके सामने कॉपी करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अभी आप लोग देख पा रहे कोई भी आवाज नहीं आ रहा है, तो इसी तरह से आपको फिक्स करना है। अगर आपका इसी तरह का गियर का प्रॉब्लम आता है आपको कार्टेज को रिफिल एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको इस कार्टेज को आप लोग यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।